हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 15th of December के करंट अफेयर्स। आज कोई भी इंपॉर्टेंट डे हमें डिस्कस नहीं करना है, लेकिन बहुत सारे इंपॉर्टेंट पर्सन हैं जिन्हें हमें न्यूज़ में देखना है। लास्ट में काफ़ी सारी शॉर्ट न्यूज़ एंड रिविजन क्वेश्चन है, एंड क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। हमारे जो डेली करंट अफेयर्स आते हैं उनकी अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो परचम का टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से आप करंट अफेयर्स के PDF फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम कुछ टेनिस प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये दोनों हमारे देश के बहुत ही जाने माने टेनिस खिलाड़ी रहे हैं, टेनिस प्लेयर रहे हैं। क्या नाम है? लियांडर पेस एंड विजय अमृतराज। लियांडर पेस एंड विजय अमृतराज, और ये फर्स्ट एशियन मैन बनने वाले हैं जिन्हें टेनिस हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया जा रहा है। टेनिस हॉल ऑफ द फेम जिसकी शुरुआत 1880 में हुई थी, 1880 में, बेसिकली टेनिस की फील्ड में और टेनिस को प्रमोट करने में जो कंट्रीब्यूट करता है, प्रमोटर होते हैं या प्लेयर होते हैं, उन्हें ये टेनिस हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया जाता है। तो फर्स्ट एशियन मैन, एशिया कॉन्टिनेंट के पहले जो पुरुष वर्ग में एशियन मैन बन गए हैं, वो लियांडर पेस एंड विजय अमृतराज बन गए हैं, जिन्हें टेनिस हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया जाएगा। और इन्हें जो इंडक्ट किया जाएगा टेनिस हॉल ऑफ द फेम में, वो जुलाई 2024 में किया जाएगा। कब? जुलाई 2024 में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं लियांडर पेस के बारे में, तो उन्होंने 18 ग्रैंड स्लैम्स का टाइटल अपने नाम किया है, मतलब एक बहुत ही शानदार टेनिस प्लेयर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम विजय अमृतराज के बारे में बात करें तो ये प्रमोटर भी रहे हैं, इसके अलावा टेनिस से एसोसिएटेड भी रहे हैं, और दो बार डेविस कप में इंडिया को फाइनल में पहुँचाने का क्रेडिट भी इन्हें ही जाता है, ठीक है। तो लियांडर पेस टेनिस प्लेयर है, 18 बार इन्होंने ग्रैंड स्लैम टाइटल अपने नाम किया है। वहीं विजय अमृतराज जो है वो फॉर्मर प्लेयर है, ब्रॉडकास्टर एंड प्रमोटर है। इसके अलावा डेविस कप फाइनल में इंडिया को पहुंचाने का काम 1975 एंड 1987 में इनके द्वारा किया गया है। अगर हम बात करें विजय अमृतराज के साथ एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट भी है जिनका नाम है रिचर्ड इवॉन, इन्हें भी कॉन्ट्रीब्यूटर कैटेगरी में टेनिस हॉल ऑफ द फेम में इंक्लूड किया जाएगा, इंडक्ट किया जाएगा, क्लियर। तो ये तो हो गए एशियन मैन के बारे में। अगर हम एशियन वीमेन प्लेयर के बारे में बात करते हैं तो उनका नाम है चाइनीज प्लेयर लीना। ये है लीना, चाइनीज प्लेयर है, एशिया की पहली वीमेन है जिन्हें 2019 में टेनिस हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया गया था। तो टेनिस, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ द फेम में शामिल होने वाली, इंडक्ट की जाने वाली फर्स्ट एशियन वीमेन प्लेयर कौन है? तो आंसर हो जाएगा लीना है, जो कि टेनिस खिलाड़ी है, चाइना से बिलोंग करती है, क्लियर। तो आपने मैन प्लेयर्स भी देख ली और वीमेंस प्लेयर को भी यहाँ पर देख लिया। कुछ और इंपॉर्टेंट पर्सन्स के बारे में बात करेंगे। अर्जुन अवार्ड के लिए किसे नॉमिनेट किया है वो भी हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है अबाउट द SSC जनरल अवेयरनेस टारगेट 2024 बैच। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जनरल अवेयरनेस पढ़ना चाहते हैं, जनरल अवेयरनेस के सारे सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, तो आप इस कोर्स को ले सकते हैं, ठीक है, परचम के एप्लीकेशन पे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में लिंक भी अवेलेबल है। इस कोर्स को आप कंप्लीट पैकेज भी ले सकते हैं और इंडिविजुअल कोर्स को भी परचेस कर सकते हैं। अगर आप पूजा 20 कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इन कोर्स में 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, क्लियर। आइए अब हम कुछ और पर्सन देखते हैं जो न्यूज़ में है। ये है कैप्टन फातिमा वासीम, ठीक है। कैप्टन फातिमा वासीम फर्स्ट फीमेल मेडिकल ऑफिसर बन गई हैं जिन्हें ऑपरेशनल फील्ड सियाचिन ग्लेशियर में पोस्ट किया गया है, ठीक है। आप बोलेंगे नहीं मैम, कुछ दिन पहले हमने कॉल जी के बारे में बात की थी, उन्हें एज अ मेडिकल ऑफिसर सियाचिन में पोस्ट किया गया है, लेकिन किसी ऑपरेशनल पोस्ट पे सियाचिन ग्लेशियर, जो कि हमारा हाईएस्ट बैटल फील्ड है, वहाँ पर किसी फीमेल मेडिकल ऑफिसर को पहली बार पोस्ट किया जा रहा है, और उनका नाम क्या है? कैप्टन फातिमा वासीम है, ठीक है। तो देख लेते हैं, कैप्टन फातिमा वासीम सियाचिन ग्लेशियर की ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर बन रही हैं। और आप सभी को पता है कि सियाचिन जो ग्लेशियर वर्ल्ड हाईएस्ट बैटल फील्ड है, ठीक है, साथ ही साथ ये सेकेंड मेडिकल ऑफिसर बन गई जिनको सियाचिन के एरिया में डिप्लॉय किया है। इसके पहले आपको पता है कैप्टन गीतिका कौल को, ये पहली वीमेन मेडिकल ऑफिसर थी इंडियन आर्मी की जिनको सियाचिन में डिप्लॉय किया गया था।
दोनों को सियाचिन में डिप्लॉय किया गया है, लेकिन ये सियाचिन की ऑपरेशनल पोस्ट में डिप्लॉय की गई हैं। तो अंतर है, तो फातिमा वासिम का नाम भी याद रखना और गीतिका कौल का नाम भी याद रखना, दोनों इंडियन आर्मी से हैं और दोनों को डिप्लॉय किया है एज अ मेडिकल ऑफिसर सियाचिन में। ये सियाचिन में और ये सियाचिन की ऑपरेशनल पोस्ट में तैनात है, ये छोटा सा डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल जेंडर इक्वलिटी अवार्ड। फिनलैंड की गवर्नमेंट के द्वारा ऐसी कोई भी संस्था, ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट जो वीमेंस राइट के लिए काम करती है, प्रमोट करती है वीमेन की सेफ्टी को, उनको बेसिकली फिनलैंड गवर्नमेंट के द्वारा इंटरनेशनल जेंडर इक्वलिटी अवार्ड 2023 दिया जाता है। तो इस साल का जो 2023 का अवार्ड दिया गया है वो अफगानिस्तान की एक एनजीओ को दिया है। इन्होंने प्रमोट एंड प्रोटेक्ट किया है राइट ऑफ वीमेन इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में जब तालिबान का रूल आया तो अफगानिस्तान के एरिया में जो तालिबान के एरिया में जो महिलाएं थी, अफगानिस्तान की जो वीमेंस थी, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने और उनको अपने राइट्स के बारे में अवेयरनेस दिलाने के लिए इस एनजीओ ने काम किया है। एनजीओ का नाम है अफगान वीमेन स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर। इसे यहाँ पर इंटरनेशनल जेंडर इक्वलिटी अवार्ड 2023 दिया गया है फिनलैंड की गवर्नमेंट के द्वारा। फिनलैंड वर्ल्ड की वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री है जिन्होंने राइट टू वोट एंड स्टैंड फॉर इलेक्शन फीमेल्स के लिए और मेल के लिए, मेल और फीमेल दोनों के लिए इलेक्शन में वोट कर सकते हो और इलेक्शन में एज अ कैंडिडेट अपीयर हो सकते हो, शुरुआत करने वाली फिनलैंड वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री है। 1906 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। इनफैक्ट फिनलैंड की पार्लियामेंट में पहली बार ही वीमेन को इंडक्ट किया गया था। फर्स्ट टाइम जो संसद है फिनलैंड की, वहां पर ही महिलाओं को शामिल किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे गूगल्स टॉप 10 ट्रेंडिंग एथलीट इन द ईयर 2023। तो गूगल ने रिसेंटली कुछ लिस्ट पब्लिश की है जिसमें जैसे कि मोस्ट ट्रेंडिंग मूवी 2023 में क्या रही है, मोस्ट ट्रेंडिंग न्यूज़ क्या रही है, सबसे ज़्यादा सर्च टॉपिक क्या रहे हैं, इसके अलावा मोस्ट सर्च एथलीट 2023 में क्या रहे हैं, कौन से इवेंट सबसे ज़्यादा सर्च किए गए हैं। तो इन सारे अलग अलग टॉपिक पे इन्होंने लिस्ट दी है। हम केवल दो ही टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि इंडिया में कौन सा न्यूज़ सबसे ज़्यादा सर्च किया गया और टॉप 10 एथलीट जो सर्च किए गए हैं उनमें क्या कोई इंडियन है, अगर है तो किस पोजीशन पे है। बस हमें दो तीन बातें ही जाननी है, तो ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मोस्ट सर्च गूगल एथलीट इन 2023। अगर हम बात करें तो आपको एक टॉप 10 एथलीट की लिस्ट दिख रही है। इस पूरे टॉप 10 में आपको शुभमन गिल दिखेंगे, शुभमन गिल जो कि इंडिया से हैं और क्रिकेटर हैं। तो टॉप 10 में केवल इंडिया का एक ही स्पोर्ट पर्सन शामिल है जिनका नाम है शुभमन गिल, क्लियर। इसके अलावा अगर हम टॉप पर देखते हैं तो मोस्ट सर्च एथलीट इन 2023 कौन रहे, डैमर हैमलिन रहे हैं। डैमर हैमलिन जो है वो अमेरिका के एक फुटबॉलर है, ठीक है। 2021 में ही इन्होंने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत की थी एज अ टेनिस प्लेयर, और 2023 में जनवरी में जब ये मैच खेल रहे थे तो ग्राउंड में इनको कार्डियक अरेस्ट आ गया था और ये कोलैप्स कर गए थे, गिर गए थे। तो इसलिए पूरे 2023 में सबसे सर्च जो एथलीट बने हैं वो है डैमर हैमलिन, आपको याद रखना है, ये फुटबॉलर है, ठीक है, इतनी चीज़ें। इसके अलावा अगर आप देखेंगे टॉप सर्च न्यूज़ इवेंट इन इंडिया 2023 में क्या रहा है, चंद्रयान 3 रहा है। इसके बाद कर्नाटका इलेक्शन रिजल्ट, इसराइल न्यूज़, सतीश कौशिक और बजट 2023, ये टॉप न्यूज़ इवेंट है जो इंडिया में सर्च रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अबाउट द अर्जुन अवार्ड। और अर्जुन अवार्ड इस साल के लिए नॉमिनेट किए गए हैं मोहम्मद सामी। आप लोग ने अभी वर्ल्ड कप देखा है, ठीक है, इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है, आपको भी पता है, इसलिए मोहम्मद सामी को नॉमिनेट किया गया है। अभी दिया नहीं है, केवल नॉमिनेशन भेजे हैं, जब फाइनल अनाउंसमेंट होगा हम वापस से डिस्कस करेंगे। तो नॉमिनेशन के लिए भेजा गया है मोहम्मद सामी को। इसके अलावा आप लोगों को हमारी एक बैडमिंटन की टीम याद होगी, कौन सी है, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी। तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी का जो डुअल पेयर है उनको भी नॉमिनेट किया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। और आप सभी को पता है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है वो स्पोर्ट की कैटेगरी में दिया जाने वाला हाईएस्ट अवार्ड होता है। इन दोनों के पेयर ने रिसेंटली देखिए एशियन गेम्स, एशियन चैंपियनशिप, स्विस ओपन, इंडोनेशियन ओपन, कोरियन ओपन और चाइना मास्टर में ये रनर अप रहे हैं। तो ये सारे टाइटल इस साल 2023 में इन्होंने जीते हैं, इसलिए चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज का नाम नॉमिनेट किया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के लिए, ठीक है। जब फाइनल अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट होंगे तब हम इनको वापस से एक बार देख लेंगे। इसके अलावा दो और पर्सन न्यूज़ में है,
पहले पर्सन जो न्यूज में है उनका नाम क्या है यहाँ पे, श्रेयस अय्यर। ठीक है, तो कोलकाता नाइट राइडर ने अपकमिंग जो आईपीएल का सीजन होने वाला है 2024, उसके लिए अपनी जो टीम का कप्तान बनाया है कोलकाता नाइट राइडर्स ने, वो किसे बनाया है, बैट्समैन श्रेयस अय्यर को बनाया है। वही वाइस कैप्टन कौन रहने वाले हैं, नीतेश राणा, तो कैप्टन ये हो गए और नीतेश राणा वाइस कैप्टन हो गए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम एक ब्रिटिश इंडियन कंपोजर के बारे में जिनका नाम है नितिन साहनी। ये है नितिन साहनी, और जो बुकर प्राइज का जज पैनल होता है, तो 2024 के जो बुकर प्राइज दिए जाएंगे उसका जो जज का पैनल है, उस जज पैनल में इन्हें भी मेंबर चुना गया है। इसलिए आपको इनका नाम पता होना चाहिए कि नितिन साहनी, जो कि इंडियन, ब्रिटिश इंडियन कंपोजर है, 2024 बुकर प्राइज जजिंग पैनल में इनका नाम भी इंक्लूड किया गया है। ये कुछ पर्सन्स थे। अब बात कर लेते हैं कुछ स्टेट और नेशनल न्यूज़ पे। सबसे पहले एमपी, अब एमपी में नया नया इलेक्शन हुआ है, नए मुख्यमंत्री चुनकर आए हैं मोहन यादव जी, और इनकी पहली मीटिंग हो रही है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में। पहली मीटिंग यहाँ पर हो रही है और उस मीटिंग में कुछ फैसले लिए गए हैं, उन फैसलों पर हम बात करते हैं। क्या है, सबसे पहले मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि विल सेट अप PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस इन ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। अब मध्य प्रदेश में कई सारे आप देखेंगे गवर्नमेंट कॉलेज रन होते हैं, लगभग 570 गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो मध्य प्रदेश में रन हो रहे हैं। उन 570 कॉलेजेस में से हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक गवर्नमेंट कॉलेज सिलेक्ट किया जाएगा और उसे तैयार किया जाएगा एज अ PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, जिसके लिए आप देखेंगे 460 करोड़ रुपीस भी दिया जाएगा इन महाविद्यालय या यूनिवर्सिटी को तैयार करने के लिए। पहली बात तो ये हो गई, तो ये फैसला लिया गया। और क्या फैसला लिया गया, इसके अलावा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो तहसील होती है हमारी, तो साइबर तहसील सिस्टम को बनाया जाएगा इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक साइबर तहसील सिस्टम होगा, ये बात डिसाइड की गई है। इसके अलावा लाउड स्पीकर, जो रिलीजियस प्लेसेस होते हैं या दूसरे जो प्लेसेस है जहाँ पर लाउड स्पीकर है, तो एक सर्टेन लिमिट या सर्टेन वॉल्यूम से ज़्यादा आप उसको नहीं अननेसेसरी रन कर सकते हो, तो उस पर लाउड स्पीकर पर बैन लगाने की बात की है, तो बहुत अच्छी बात की है। इसके अलावा डिसाइड किया है जो तेंदू लीफ कलेक्शन होता है उसका रेट इंक्रीज कर दिया है, 3000 पर बैग से 4000 पर बैग तेंदू पत्ता कलेक्शन को बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा बोला गया है कि जो अर्बन एरियाज हैं विदाउट लाइसेंस, ओपन एरिया में, अर्बन एरिया में स्पेशली, कोई भी इलीगली बाय एंड सेल नहीं करेगा मीट एंड फिश को। तो मीट और फिश को इलीगल तरीके से ओपन एरिया में बाय एंड सेल नहीं किया जाएगा अर्बन एरियाज में विदाउट लाइसेंस, क्लियर है। इसके अलावा एक और फैसला लिया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा कि कुछ ऐसे क्राइम्स होते हैं जिसमें, मतलब या तो बहुत रिपीटेड क्राइम है या बहुत ही जघन्य अपराध है, बहुत ही हीनियस क्राइम है जिसमें आपको कोर्ट ने सजा सुनाई है, तो ऐसे कंडीशन में जब आप कोई अपराध बार बार कर रहे हो, रिपीटिव नेचर का है आपका, तो उस केस में आपको बेल नहीं दिया जाएगा, उस केस में आपको बेल नहीं दिया जाएगा, ये बात यहाँ पर बोली गई है। कैंसिलेशन ऑफ बेल की बात यहाँ पे की गई है। तो इस तरीके से कुछ बातें अभी सामने आई हैं मध्य प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर की जो मीटिंग हुई थी, कैबिनेट की जो मीटिंग हुई थी। नेक्स्ट बात करेंगे, लोकसभा से फाइनली क्लियर कर दिया गया है बिल फॉर वीमेंस कोटा इन जम्मू कश्मीर एंड पुदुचेरी असेंबली। ठीक है, आप लोगों को 106 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट याद होगा, कुछ समय पहले मैंने डिस्कस भी किया था। तो 106 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत लोकसभा ने यहाँ पर बिल पास किए हैं, टू बिल पास किए हैं जिसमें 33% रिजर्वेशन वीमेंस को पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में दिया जाएगा टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी एंड जम्मू कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर और पुदुचेरी की जो आपकी विधानसभाएं हैं वहां पर 33% रिजर्वेशन वीमेंस के लिए दिया जाएगा। अभी सेंसिस आई होगी, सेंसिस के बाद आपका डेटा सामने आएगा, डिलिमिटेशन होगा, और उसके बाद इन चीज़ों को अप्लाई किया जाएगा। 15 इयर्स के लिए होगा और फिर कोर्ट के कहने पर इनको फर्दर एक्सटेंड भी किया जा सकता है, अभी 15 साल के लिए ऐसा होने वाला है। अगर हम बात करें तो करेंटली जो हमारी 17th नंबर की लोकसभा है, जो कि 2019 से 2024 तक है, आप सभी को पता है 2024 में हमारे देश में लोकसभा इलेक्शन होने हैं, तो अभी हमारी जो प्रेजेंट 17th नंबर की लोकसभा है उसमें 15% वीमेन इलेक्टेड है। इसके अलावा अगर हम टोटल स्टेट लेजिस्लेटर असेंबली की बात करें तो 9% वीमेंस आपको देखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि पहली बार वीमेंस के रिजर्वेशन के लिए कोई बिल इंट्रोड्यूस किया हो, इसके पहले भी 1996, 1998,
1999-2008 में बिल को इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। पहले जो तीन बिल थे वो लोकसभा के साथ ही कोलैप्स हो गए, लोकसभा डिसॉल्व हुई और वो बिल भी कोलैप्स हो गए। कौन कौन से? 1996, 1998 और 1999 के बिल। और 2008 का जो बिल था उसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया, अप्रूव किया गया राज्यसभा में, लेकिन 15th लोकसभा डिसॉल्व हो गई और ये बिल भी लैप्स हो गया। तो अभी तक इस बिल को पास नहीं किया जा सका था, लेकिन अब फाइनली इसे पास कर दिया गया है लोकसभा में। नेक्स्ट है, एक और बिल पास किया गया है बाय द पार्लियामेंट, जिसका नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल, जो कि 2009 के सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट में अमेंडमेंट करता है। तो याद रखेंगे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 में आया था। इसी बिल में अमेंडमेंट किया गया है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2023। रिसेंटली पार्लियामेंट से इसको पास किया है, लोकसभा ने एक हफ्ते पहले पास किया था और कल राज्यसभा ने भी इस बिल को पास कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट ने इस बिल को पास कर दिया है। क्या कहता है ये बिल? तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 है उसको अमेंड करता है और यहां पर एक नई यूनिवर्सिटी सेटअप करने की बात करते हैं, जिसका नाम है सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन तेलंगाना। इस पे हमने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, आपको इसके बारे में पहले भी बता चुके हैं कि सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी कहाँ पे बनाई जाएगी, तेलंगाना में बनाई जाएगी। और इस ट्राइबल यूनिवर्सिटी का नाम क्या होगा? तो समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इसका नाम होगा। इसके लिए 889 करोड़ रुपए बजट भी रखा है इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए। बेसिकली जो ट्राइबल पॉपुलेशन इंडिया है वो रिसर्च करना चाहती है, हायर एजुकेशन पीजी डॉक्टरेट तक की डिग्री लेना चाहती है, तो उसमें ये फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है अमृत टेक्नोलॉजी। ये है अमृत टेक्नोलॉजी, आईआईटी मद्रास के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब आईआईटी मद्रास हैज़ डेवलप द अमृत टेक्नोलॉजी फॉर रिमूविंग आर्सेनिक एंड मेटल आयन फ्रॉम वाटर। आपने देखा होगा हमारे ज़मीन से आजकल पानी निकालते हैं उसमें कई सारी इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं, आर्सेनिक्स भी होते हैं, कई आयन मेटल्स भी पाए जाते हैं, तो उनको रिमूव करना, पानी को शुद्ध करना, पानी की जो इम्प्योरिटीज़ है उनको हटाना और वाटर की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, ये इसका बेसिकली मकसद है। तो आपको अमृत का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। अमृत का फुल फॉर्म है आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी, ये आर्सेनिक का फुल फॉर्म है। इसे तैयार किसने किया है? आईआईटी मद्रास ने किया है। इसमें आयरन ऑक्सी हाइड्रोक्साइड, नैनो स्केल आयरन ऑक्सी हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया है। जब इसमें से वाटर पास होता है तो ये क्या करता है, फिल्टर आर्सेनिक को रिमूव कर देता है। ठीक है, इसको डोमेस्टिक एंड कम्युनिटी लेवल दोनों में इस्तेमाल किया जा सकता है वाटर को प्योरीफाई करने के लिए, और जल जीवन मिशन के अंदर इसको तैयार किया गया है। आर्सेनिक क्या होता है? तो आर्सेनिक एक केमिकल एलिमेंट है जो कि अर्थ क्रस्ट पे पाया जाता है और टॉक्सिक होता है नेचर का। ऑर्गेनिक भी होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में भी पाया जाता है, लेकिन जहरीला होता है, टॉक्सिक होता है। जब हम लगातार आर्सेनिक वाटर का इस्तेमाल करते हैं, उसे कंज्यूम करते हैं, तो हमको कैंसर, किडनी एंड लंग डिसीज, ये सब बीमारियां होने लगती हैं लॉन्ग टर्म तक अगर हम इंटेक करते हैं आर्सेनिक का। क्योंकि WHO कहता है, WHO की गाइडलाइन है कि हमारे ड्रिंकिंग वाटर में आर्सेनिक 0.01 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए, लेकिन इंडिया में हम किस लिमिट को मानते हैं, 0.05 मिलीग्राम पर लीटर। ये इंडिया की लिमिट है, ये WHO की गाइडलाइंस है। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम। चलिए इस स्कीम के बारे में बात करते हैं। तो रिसेंटली जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, मतलब हमारा जो पर्यावरण मंत्रालय है बेसिकली, उनके द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई है जिसका नाम है इंडिया फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम। अब ये स्कीम क्या है? तो इस स्कीम में बेसिकली वॉलेंटरी कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है। कोई थर्ड पार्टी अगर आके कहती है कि हम आपके जो फॉरेस्ट एरिया है उसे हम प्रोटेक्ट करेंगे, जो उससे गुड ट्रांसफर हो रहे हैं उनका मैनेजमेंट करेंगे, तो उसके लिए एक सर्टिफिकेशन इशू किया जा सकता है। और सर्टिफिकेशन इशू करने की भी कुछ अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, और इसके अलावा एक कमेटी भी बनाई जाएगी कि आपने जिस थर्ड पार्टी को सर्टिफिकेट दिया है मैनेजमेंट करने के लिए, वो पार्टी सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो इसके लिए पूरा एक ऑब्जर्वेटरी कमेटी भी बनाई जाएगी। क्लियर है? तो सस्टेनेबल, बेसिकली अगर हम प्रमोट करते हैं सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट को, तो उसके लिए यहाँ पर फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम लाया है। और कोई भी इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन, FAO वगैरह जो अगर सर्टिफिकेशन को लेते हैं, तो उनको एक रेटिंग, मतलब एक मार्केट इंसेंटिव भी प्रोवाइड किया जाएगा। द नेशनल फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन स्कीम ऑफर वॉलेंट्री थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन डिजाइन टू प्रमोट सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड एग्रो फॉरेस्ट्री इन द कंट्री।
इस स्कीम में फॉरेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन एंड चेन ऑफ द कस्टडी सर्टिफिकेशन इंक्लूड है. इट कैन प्रोवाइड मार्केट इंसेंटिव टू वेरियस एंटिटीज. मार्केट इंसेंटिव भी उनको प्रोवाइड किया जाएगा कि जो रिस्पॉन्सिबल हैं और फॉरेस्ट को प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं और एग्रो फॉरेस्ट्री की प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर रहे हैं. क्लियर. इसके अलावा यहाँ पे बोला है जो नेशनल वर्किंग प्लान कोड 2023 को हमने लास्ट ईयर लॉन्च किया गया था, उसी को आधार मानते हुए हम यहाँ पर इस सर्टिफिकेशन को इशू करेंगे और 8 अलग अलग क्राइटेरियाज इसमें होंगे. अब यहाँ पे समझना ये है कि इंडिया फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन काउंसिल जो है वो इस स्कीम को, मतलब इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगी और एक एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करेगी. कौन? इंडिया फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन काउंसिल तैयार की जाएगी जो कि इस स्कीम को कंप्लीटली इम्प्लीमेंट करेगी और एडवाइजरी बॉडी की तरह एक्ट करेगी. ठीक है. इसके अलावा आप देखेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल इस स्कीम की ऑपरेटिंग एजेंसी की तरह काम करेगा और ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन को मैनेज करने का काम कौन करेगा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल. अब सर्टिफिकेशन कौन इशू करेगा? तो नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन जो कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर काम करती है वो सर्टिफिकेशन को इशू करने का काम करेगी. ठीक है. तो इस तरीके से अलग अलग बॉडी बनाई जाएंगी जो कि पूरा मैनेज करेंगे, एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे सर्टिफिकेशन स्कीम को, सर्टिफिकेशन इशू करेंगे अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से. तो इस तरीके से पूरी बॉडी तैयार की जा रही है. क्लियर. अब बात करते हैं शॉर्ट न्यूज़ के बारे में. तो देखिएगा COP 28 की मीटिंग हुई है दुबई में और दुबई में जब फाइनल मीटिंग कंक्लूड हुई है तो फाइनली जो कंक्लूजन सामने आया है वो आया है कि 2050 तक फॉसिल फ्यूल को हम एलिमिनेट करके नेट कार्बन एमिशन जीरो का टारगेट लेते हैं. नेक्स्ट है, अभी जब लोकसभा और राज्यसभा की सिटिंग चलती है, मीटिंग्स चलती हैं, तो ऑब्वियसली बात है कई सारे स्कीम्स पे चर्चा होती है. सभी जो मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है किसी स्कीम से तो वो अपने अपने रिटर्न स्टेटमेंट्स देती हैं, तो स्कीम बहुत सारी न्यूज़ में होती हैं. तो वैसे ही अटल पेंशन योजना भी न्यूज़ में है. अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अभी तक 6 करोड़ यहाँ पर लोगों ने करेंट फाइनेंशियल ईयर में 6 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन या इनरोलमेंट कराए हैं. अटल पेंशन योजना को 9th ऑफ मई 2015 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था जो कि जो इंडिया के सिटीजन्स हैं ओल्ड एज में उनको पेंशन की सुविधा देती है. नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ने ई श्रम कार्ड के बारे में भी बताया है. ई श्रम कार्ड जो है ना उसको 2021 में लॉन्च किया गया था 2021 में. बेसिकली अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स हैं उनके रजिस्ट्रेशन के लिए ई श्रम पोर्टल लॉन्च हुआ था. ई श्रम पोर्टल कब लॉन्च हुआ? 2021 में. इसमें भी 29 करोड़ से ज़्यादा अनऑर्गेनाइज वर्कर इनरोल हो चुके हैं, ये बात बताई गई है. इसके अलावा आपने देखा था कुछ समय पहले गुजरात में एक साइक्लोन आया था विपरजॉय, और ऑब्वियसली बात है आपका जो हिमाचल प्रदेश है उसमें भी आपने देखा कि लैंडस्लाइड वगैरह हुई, फ्लड आया हुआ था. तो हिमाचल प्रदेश और गुजरात को यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा कुछ यहाँ पे फंड रिलीज किए हैं. गुजरात को 338 करोड़ रुपीज़ और हिमाचल प्रदेश को 633 करोड़ रुपीज़ फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा जो डैमेजेस हुए हैं उनको कम करने के लिए. ठीक है, वापस से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए. नेक्स्ट है पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस. पूनावाला जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है उसको रीब्रांड किया है, उसका नाम चेंज कर दिया है. तो पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस का जो नया नाम रख दिया है वो है गृहम हाउसिंग फाइनेंस. ठीक है. नेक्स्ट है वज्र प्रहार एक्सरसाइज जो इंडिया और यूएसए के बीच में होने वाली जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है. 14th edition रिसेंटली इसका कंक्लूड हुआ है मेघालय में. ठीक है. नेक्स्ट है स्टैच्यू ऑफ तमिल आइकन थ्रू वलुवर अनवील्ड इन फ्रांस. ये स्कॉलर है 4th-5th century BC में आपको इनको देखने को मिलेगा. तो इनका एक स्टैच्यू फ्रांस पर लॉन्च किया गया है. नेक्स्ट है 29th कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ख़त्म हो चुका है और इस फिल्म फेस्टिवल में, कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म अवार्ड किसे मिला है? तो इजरायली फिल्म चिल्ड्रन ऑफ नोबडी को मिला है. बस हमको इतना ही पता होना चाहिए कि 29वें नंबर का कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ख़त्म हुआ है और चिल्ड्रन ऑफ नोबडी को बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है जो कि इजरायल की फिल्म है. नेक्स्ट बात करते हैं, अभी राज्यसभा की सिटिंग चल रही है तो राज्यसभा में एक MP है TMC के जिनका नाम है डेरिक ओब्रेन. ठीक है, इन्होंने कुछ रूल्स ब्रीच किए. लोकसभा जब आप राज्यसभा में बैठते हो तो आपको प्रॉपर मैनर्स का फॉलो करना होता है, तो इन्होंने वो सब फॉलो नहीं किया तो इनको सस्पेंड कर दिया गया है. तो TMC MP डेरिक ओब्रेन हैज़ बीन सस्पेंडेड फ्रॉम द राज्यसभा फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ द विंटर सेशन.
ठीक है, और राज्यसभा के जो चेयरमैन है, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी हैं जगदीप धनखड़, उनके द्वारा इन्हें सस्पेंड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, आरबीआई ने परमिशन दे दी है बंधन बैंक को। किसके लिए परमिशन दे दी है? जो जो रेलवे एम्प्लॉयज, रिटायर रेलवे एम्प्लॉयज है, उनको पेंशन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है? भगवंत मान। तो भगवंत मान ने, भगवंत मान सरकार तहुरे द्वार स्कीम की शुरुआत की है लुधियाना में। बेसिकली जो सोशल या इसेंशियल सर्विसेज हैं उनको घर तक डिलीवरी करना है, इसका मकसद है। अब यहाँ पे जेस्पर एक साइक्लोन आया है, जो कि एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। तो एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है जेस्पर, कहाँ पर हिट किया इसने? तो ऑस्ट्रेलिया में हिट किया है। चलिए अब हम देखते हैं आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली किस कंट्री ने दो नई न्यूक्लियर पावर सबमरीन क्रेस्नोयार एंड एम्परर अलेक्जेंडर थर्ड को लॉन्च किया है? सो आंसर हो जाएगा, रशिया ने लॉन्च किया है। कल हमने डिस्कशन किया था, ऑप्शन थ्री बी। असद सफीक, इन्होंने रिसेंटली इंटरनेट सारे फॉर्मेट से क्रिकेट के रिटायरमेंट ले लिया, किस कंट्री के हैं? आंसर है पाकिस्तान से। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वीमेन मेडिकल ऑफिसर टू बी पोस्टेड एट द ऑपरेशनल पोस्ट ऑफ सियाचिन ग्लेशियर? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? फातिमा वसीम, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, कौन सी एशियन कंट्री है जिसने रिसेंटली फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम लॉन्च की है? सो इंडिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस इंस्टीट्यूट के द्वारा आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवर बाय इंडियन टेक्नोलॉजी फॉर वाटर प्योरिफिकेशन तैयार किया गया है? आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सी बॉडी है जो कि फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन स्कीम के अंतर्गत सर्टिफिकेशन इशू करने की बॉडी है? तो आंसर हो जाएगा नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन, बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, मिसर सेट टू सैटेलाइट रिसेंटली लॉन्च की गई है, इजिप्ट और चाइना का कंबाइंड प्रोजेक्ट था, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। टाटा पावर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग सॉल्यूशन लिमिटेड के द्वारा एक MOU साइन किया है किस कंपनी के साथ, जिसके अंतर्गत इंडिया में 500 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को तैयार किया जाएगा? आंसर हो जाएगा इंडियन ऑयल, ऑप्शन डी। किस कंट्री में तमिल आइकन थ्रू वल्लुवर की स्टैच्यू को अनवील किया है? आंसर हो जाएगा फ्रांस में, ऑप्शन बी। गूगल टॉप 10 ट्रेंडिंग एथलीट इन द ईयर में कौन सा एक इंडियन पर्सन शामिल है? तो इंडियन क्रिकेटर शुभमन गिल का नाम है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश इंडियन कंपोजर 2024 बुकर प्राइज जजिंग पैनल के लिए चुने गए हैं, कौन है वो? आंसर हो जाएगा यहाँ पे नितिन साहनी, ऑप्शन डी। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली व्यास सम्मान 2023 किसे दिया जाएगा, किसे सिलेक्ट किया गया है फॉर द व्यास सम्मान 2023, जो कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। चार नाम है, आप सही आंसर हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, इसलिए इसका आंसर आप हमें देंगे। बाकी सारी बातें हम आने वाले करेंट अफेयर्स में करते हैं। सो टेक केयर एंड बाय बाय।